अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक, आपके साथ मैं हूं अमित तिवारी। राज्य सरकार ने गरीबों को लेकर कर दी है बड़ी घोषणा। जी हां, प्रदेश सरकार की तरफ से गरीबों को लेकर इस कोरोना महामारी के दौर में बड़ी घोषणा की गई है। ये घोषणा की गई है छत्तीसगढ़ राज्य में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से। यहां जुलाई से नवंबर तक, जी हां, मैं आपको बता दूं, जुलाई से नवंबर तक गरीबों को मुफ्त राशन दिया जाएगा, इस बात का ऐलान सरकार ने कर दिया है। और साथ ही साथ इस दौर में अतिरिक्त चावल भी प्रदान किया जाएगा राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत। इससे लाखों परिवार जो है गरीब परिवार, उनको सीधे तौर पर जो राशन कार्ड धारक है छत्तीसगढ़ में, उनको लाभ मिलेगा। इस मामले में छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उन्होंने ट्वीट किया और जानकारी दी कि जुलाई से नवंबर तक राज्य सरकार जो है गरीबों को मुफ्त में चावल देगी। इसके साथ ही साथ राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अतिरिक्त चावल भी प्रदान किया जाएगा। इससे प्रदेश के जो है 67,90,987 जो कार्ड धारक हैं, उनमें जो सदस्य हैं 2,51,46,000 से ज्यादा जो लोग हैं वो लाभान्वित सीधे तौर पर होंगे। ये मुख्यमंत्री ने अपनी तरफ से ट्वीट किया इस मामले में। तो कुल मिलाकर इसे बड़ी घोषणा के तौर पर देखा जा रहा है गरीबों को लेकर। इस दौर में जहां लॉकडाउन के चलते राज्यों में गरीबों के सामने एक रोजी रोटी का संकट खड़ा था, उस बीच में छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है। और इसमें आपको ये बता दूं कि जो अलग अलग राशन कार्ड बनते हैं छत्तीसगढ़ में, चाहे वो अंत्योदय राशन कार्ड हो, प्राथमिकता वाला राशन कार्ड हो, निःशक्तजन वाला राशन कार्ड हो, निराश्रित वाला राशन कार्ड हो, इन सबको जो है सीधे तौर पर इस योजना का लाभ मिलेगा। यहां पर यह भी बताना जरूरी है कि पीएम मोदी ने भी इसी तरीके की घोषणा की है देश में कि जो गरीब हैं उनको दिवाली तक मुफ्त चावल दिया जाए, राशन दिया जाए। तो राज्य सरकार ने जो पीएम गरीब कल्याण योजना है उसके अतिरिक्त जो समकक्ष जो गरीबों को चावल मिल रहा है, यानी अतिरिक्त चावल, वो भी राज्य सरकार देगी, जिसका लाभ सीधे तौर पर इन परिवारों को मिल पाएगा। इस दौर में जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि रोजी रोटी का संकट खासतौर से मजदूर और गरीब वर्ग के सामने बड़े तौर पर था, इस बीच में राज्य सरकार की इस घोषणा का जो सीधा असर होगा इन परिवारों को मिलने वाली इस योजना के लाभ से, उनके जीवन में इसका असर पड़ता हुआ नजर आएगा। क्योंकि जो संख्या, जिसका जिक्र मुख्यमंत्री ने भी बताया था अपने ट्वीट में, कि 67,90,987 राशन कार्ड धारक है छत्तीसगढ़ में, तो इनके जो परिवार हैं उनको सीधे तौर पर इसका लाभ मिलेगा। क्योंकि इस दौर में राज्य सरकार जो है चाहती है कि जो गरीब है उनके साथ में कल्याणकारी योजनाएं जो है उनको राज्य सरकार की तरफ से प्रदान की जाए। आपको यहां पर यह भी बता दूं मैं कि छत्तीसगढ़ वो राज्य है जहां मई और जून में भी इसी तरीके से मुफ्त चावल दिया गया था। प्रधानमंत्री ने तो योजना अभी इस बात का कहा कि दिवाली तक गरीबों को दिया जाए ये राशन, तो जुलाई से नवंबर तक जो है छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार गरीबों को मुफ्त राशन बांटेगी। और इसका सीधा असर, जिसका मैं आपको बता रहा हूं, उन लाभार्थियों को मिलेगा जो कि राशन कार्ड धारक हैं। इसे छत्तीसगढ़ सरकार की बड़ी घोषणा के तौर पर देखा जा रहा है। आप देखते रहिए एमपी तक।